इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया पार्ट 5, फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स वर्म लाइक होते हैं और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट होते हैं। इस वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स को फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखने से पहले आप हमारा वीडियो देख लें किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस फाइलम के बेसिक फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ए सीलोमेटा है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है इनके पास में, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इवॉल्व हो चुकी है लेकिन बॉडी कैविटी अभी इवॉल्व नहीं हुई है, और स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है लेकिन ये ट्रू बॉडी सेगमेंट्स नहीं होते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को हम स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर स्यूडो का मतलब है फॉल्स, तो फॉल्स बॉडी सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और दोनों तरह के डाइजेशन इनके पास हमें देखने को मिलते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये वर्म्स अधिकतर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बहुत थोड़ी सी कुछ फॉर्म्स हैं जो फ्री लिविंग होती हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है प्लैनेरिया, प्लैनेरिया एक फ्री लिविंग फॉर्म है प्लैटीहेलमिंथेस की। और ये आपको याद दिला दें कि ये सारे फीचर्स हमने बहुत डिटेल में किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1 में डिस्कस करे हुए हैं, तो इनके डिटेल्स को समझने के लिए आप हमारा वीडियो देखें किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1। अब हम इस फाइलम के कुछ यूनिक फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रांच्ड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जिसे हम फोर्क्ड डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा इस डायग्राम की हेल्प से। तो ये हमने प्लैनेरिया का डायग्राम दिखाया हुआ है, और ये इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और ये देखिए इसका ये इंटेस्टाइन ब्रांच्ड है इसका इंटेस्टाइन, और फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और पूरी बॉडी में इस इंटेस्टाइन की ब्रांचेस फैली हुई हैं। यहाँ हमने फेस्क्यूला हेपेटिका का भी डायग्राम दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए इसके पास भी ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है, ब्रांच्ड डाइजेस्टिव ट्रैक है, और पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो डाइजेस्टेड मैटर लोकली इसके टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहीं के वहीं इसके टिश्यूज में जो डाइजेस्टिव मैटर है, डाइजेस्टेड सामान है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से इन ऑर्गेनिजम्स में हमें ब्रांच्ड डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स की हेल्प से इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है, और ये नेफ्रीडिया पूरी बॉडी में फैले होते हैं, इनका नेटवर्क पूरी बॉडी में होता है, बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सेल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो यहाँ पे ये नेफ्रीडिया का डायग्राम दिखाया हुआ है, और यहाँ ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने दिखाया हुआ है। तो ये देखिए इन फ्लेम सेल्स के अंदर ये सीलिया होते हैं, और ये बीट करते हैं, इन ये इनमें मूवमेंट होता है, तो जो बॉडी फ्लूइड है ये इन नेफ्रीडिया के थ्रू फ्लो करते हैं। ये स्लिट लाइक ओपनिंग है, तो जो बॉडी फ्लूइड है वो एंटर करेगा इस नेफ्रीडिया में, और ये इस डक्ट से होता हुआ गुजरेगा, और जब ये इस डक्ट से होता हुआ गुजरेगा तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसी डक्ट में रह जाएगा, और जबकि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे जब ये बॉडी फ्लूइड इन डक्ट्स के थ्रू फ्लो करेगा। और ये बहुत कलेक्टिवली बहुत सारे नेफ्रीडिया इसमें इस डक्ट में अपना जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है वो ड्रेन करेंगे, और ये फाइनली नेफ्रीडियो पोर की तरफ जाएगा, और फाइनली बॉडी पर एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, उसके थ्रू वो जो भी सामान है नाइट्रोजनस वेस्ट वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये सीलिया दिखाए हुए हैं, तो जब सीलिया बीट करते हैं तो बिल्कुल फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह अपीयरेंस आता है। फ्लिकरिंग फ्लेम आप मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कोई जलता हुआ दीपक आप देखें और उसकी लौ जो है वो फ्लिकर कर रही है, तो बिल्कुल उसी तरह से अपीयरेंस यहाँ पर आता है जब सीलिया इन फ्लेम सेल्स के बीट करते हैं। इस वजह से इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट यूनिक फीचर जो हमें इन इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है वो है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इस डायग्राम की हेल्प से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में दो नर्व कॉर्ड देखने को मिलती हैं, ये डबल नर्व कॉर्ड हमें देखने को मिलती हैं, और ये दोनों ही नर्व कॉर्ड इन ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो आप डायग्राम में ये देखिए तो बिल्कुल एक लैडर लाइक अपीयरेंस आ रहा है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो हमें इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अब हम प्लैटीहेल्मिंथेस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो जो पहली क्लास है वो टर्बुलेरिया है, और इस क्लास के इंडिविजुअल्स फ्री लिविंग होते हैं और इन्हें हम प्लैनेरियंस कहते हैं, और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इन इंडिविजुअल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी रिमार्केबल है, बहुत हाई कैपेसिटी हाई पावर होती है इनकी रीजनरेट करने की। यहाँ पर हमने प्लैनेरिया का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि अगर इनकी बॉडी कुछ सेक्शंस में कट हो जाए तो ये सारे सेक्शंस रीजनरेट होके और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम रीजनरेशन कहते हैं। दूसरी क्लास ट्रिमाटोडा कही जाती है, और इसके इंडिविजुअल्स के पास भी ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इनके पास जो हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स होते हैं सिंगल ओवरी और न्यूमरस टेस्टिस होती हैं एक इंडिविजुअल के पास में, और ये एग्जाम्पल हमने बताए हैं यहाँ पे लिवर फ्लूक और शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। कॉम्पिटिशन्स में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉम्पिटिशन्स में जो खास बातें होती हैं किसी भी क्लास किसी भी ग्रुप की वो हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने ये शिस्टोसोमा ही दिखाया हुआ है, तो इसमें ये मेल और फीमेल ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हैं। और एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि मेल में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गाइनिकोफोरिक कैनाल कहते हैं, और इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में फीमेल एग्जिस्ट करती है, इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में फीमेल रहती है। तो ये एक बहुत ही पेक्यूलियर अनोखा फीचर है ब्लड फ्लूक का। तीसरी क्लास है सिस्टोडा, और इस क्लास के इंडिविजुअल्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को ये डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये इनकी बॉडी स्यूडो सेगमेंटेड होती है, और टीनिया सोलियम या टेपफॉर्म इस क्लास का एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम की हेल्प से टीनिया सोलियम को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं ताकि आगे जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ें तो समझना आसान हो जाए। तो टीनिया सोलियम की बॉडी को यहाँ पर हमने दिखाया है, ये इसका स्कॉलेक्स है, अभी आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलेक्स पे सकर्स और हुक्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने आप को बहुत फर्मली अटैच कर पाता है, और ये इसकी नेक है, नेक रीजन से ही ये बॉडी सेगमेंट्स बड ऑफ होते हैं, इनकी बडिंग इन बॉडी सेगमेंट्स की बडिंग इन इसी नेक रीजन से ही होती है। और ये जो बॉडी सेगमेंट्स हैं जब नेक से बने होते हैं तो यहाँ पे इस रीजन में ये इमैच्योर बॉडी सेगमेंट्स हैं। एक और बात यहाँ पे बता दें, टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होता है, और हर बॉडी सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो जो नए नए अभी बड ऑफ होके ये जो सेगमेंट्स बने हैं ये इमैच्योर हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। जैसे जैसे ऑर्गन्स पोस्टीरियर रीजन की तरफ खिसकते चले जाते हैं वैसे वैसे इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सेगमेंट्स को मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स मार्क किया हुआ है, और फिर इन सेगमेंट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, गैमिट्स फ्यूज होंगे, और एज अ रिजल्ट जाइगोट बनेगा, जाइगोट फर्दर ग्रो करेगा, तो एक ऑन्कोस्फियर लार्वा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये ग्रो होगा इनमें ऑन्कोस्फियर्स ग्रो करेंगे तो वैसे वैसे
जो बॉडी सेगमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते चले जाएंगे, इनकी ग्रोथ होती चली जाएगी इन बॉडी सेगमेंट्स की, और हर सेगमेंट में जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो सब डीजनरेट हो जाएंगे, केवल और केवल यूट्रस रह जाएगा विच इज़ फुल ऑफ दीज ऑन्कोस्फेयर्स। और ऐसे प्रोग्लॉटिड्स को हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। क्या मतलब है? ऐसा बॉडी सेगमेंट जिसमें हाईली ब्रांच्ड यूट्रस फुल ऑफ ऑन्कोस्फेयर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे बॉडी सेगमेंट को हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहते हैं। टीनिया सोलियम को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो ये जो पोर्शन है इसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं। स्कॉलेक्स में दो चीज़ें होती हैं, ये देखिए रो ऑफ हुक्स, और इस रो ऑफ हुक्स को हम रोस्टेलम भी कहते हैं, और ये सकर्स हैं। तो सकर्स और इन हुक्स दोनों को मिलाकर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्कॉलेक्स बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन ऑफ अडहेशन। तो इस बॉडी पार्ट की हेल्प से टीनिया सोलियम स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही फर्मली अटैच रहता है। ये नेक रीजन है जहाँ से ये जो प्रोग्लॉटिड्स हैं, ये बॉडी सेगमेंट्स हैं, ये बनते रहते हैं लगातार, पूरी लाइफ में इसके बनते रहते हैं ये। और यहाँ हमने एक मैच्योर बॉडी सेगमेंट का हाईली मैग्नीफाइड व्यू दिखाया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से टीनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट होता है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में हमने बताया टीनिया सोलियम को, ताकि आगे जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करें तो आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ हम कुछ लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स और आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, हमें टीनिया सोलियम में डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है कि ये पूरी लाइफ साइकिल अपनी दो होस्ट में बिताएगा, दो होस्ट में ये सर्वाइव करेगा, तो इसकी लाइफ साइकिल पूरी होगी। तो जो दो होस्ट इसके होते हैं उनमें से एक होता है ह्यूमन, जो कि प्राइमरी होस्ट की तरह एक्ट करता है। प्राइमरी होस्ट का मतलब ये होता है कि जिस होस्ट में इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलेगी, और ये अधिक से अधिक समय जिस होस्ट में बिताएगा उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। और सेकेंडरी होस्ट, तो टीनिया सोलियम के केस में सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। तो पिग में ये अपनी कुछ लाइफ साइकिल के कुछ स्टेजेस बिताएगा, कुछ लार्वल स्टेजेस इसमें पिग में बनेंगी। तो कुछ लार्वल स्टेजेस जो दूसरे होस्ट में बिताई जाती हैं तो उसे हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, लेकिन प्राइमरी होस्ट में रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है वो चलती है किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल में। तो ये तीन टर्म समझने के बाद टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल को जानना आसान हो जाएगा। टेपवर्म की लाइफ साइकिल को बहुत ब्रीफ में स्टडी करते हैं। तो अभी तक हमने जान ही लिया है टेपवर्म की जो लाइफ साइकिल होती है डाइजेनेटिक होती है, ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट है और पिग इसका सेकेंडरी होस्ट है। तो ये ह्यूमन से शुरू करते हैं। तो ह्यूमन में ये अडल्ट फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, और अडल्ट फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एज अ रिजल्ट जाइगोट बनेंगे, और वो जाइगोट जो है वो ऑन्कोस्फियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम पहले ही ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये बॉडी सेगमेंट्स में हाईली ब्रांच्ड यूट्रस होता है विच इज़ फिल्ड विद दीज ऑन्कोस्फियर्स। अनगिनत ऑन्कोस्फियर्स इन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड हैं इस हो ये जो पैरासाइट की बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस बोलते हैं, APOLYSIS, एपोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, इन ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का मेन बॉडी से डिटैच होना। तो इस प्रोसेस को एपोलाइसिस बोलते हैं। और ये जो ब्रोकन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं ये होस्ट की फीसिस के साथ में बाहर आ जाएंगे बॉडी से, और अगर इस फीसिस पर ये पिग फीड करता है तो अब ये ऑन्कोस्फियर्स इस पिग की बॉडी में चले जाएंगे, वहाँ ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज में, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर वर्म। और ये ब्लैडर वर्म्स इस पिग की मसल्स में अपने आप को सेटल कर लेंगे। अब तो इस तरह से ये जो पिग है ये इन्फेक्टेड हो गया है और इसकी बॉडी में ब्लैडर वर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो ऐसे इन्फेक्टेड पोर्क को जब कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो ये ब्लैडर वर्म्स अब उस ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे और इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये फर्दर इनमें डेवलपमेंट होगा और एज अ रिजल्ट ये ब्लैडर वर्म अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे ह्यूमन है और पिग यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट है। सिस्टिसर्कोसिस एक बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है जो कि टीनिया सोलियम से होता है। अभी जो हमने केस डिस्कस किया उसे हम टीनियासिस कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस केस को हम टीनियासिस कहते हैं और टीनियासिस केवल नॉन वेजिटेरियंस को हो सकती है जिन्होंने कोई इन्फेक्टेड पोर्क कंज्यूम कर लिया हो। लेकिन जो सिस्टिसर्कोसिस है ये इन्फेक्शन किसी वेजिटेरियन को भी हो सकता है और ये अधिकतर वेजिटेबल्स के ही थ्रू होता है। देखेंगे इस डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। तो ये एक प्राइमरी होस्ट है जिसमें ये अडल्ट प्रेजेंट है। तो अडल्ट में ये ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स एपोलाइसिस के थ्रू फीसिस के साथ होस्ट बॉडी से बाहर आ जाएंगे और ये फीसिस अब सॉइल में आ सकता है। ये जो ऑन्कोस्पियर्स हैं अगर सॉइल में प्रेजेंट हैं तो फील्ड में जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक होता है, धनिया होता है और गोभी, खासतौर से बंद गोभी, तो ये ऑन्कोस्पियर्स इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं जो लो लेवल पे फील्ड में प्रेजेंट होती हैं तो उन वेजिटेबल्स से स्टिक हो सकते हैं। और ऐसी वेजिटेबल्स को अगर बहुत अच्छी तरह धोए बिना किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो ये जो ऑन्कोस्पियर्स हैं अब ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन में हैचिंग होगी। तो जो इंडिविजुअल है, जो लार्वा है, वो बाहर आ जाएगा, सिस्ट से बाहर आ जाएगा और ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ये ऑन्कोस्पियर फैल सकते हैं। तो कई तरह से ये ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कौन से बॉडी पार्ट में सेटल हुए हैं। जैसे अगर आई में सेटल हो गए, आई के किसी ब्लड के कैपिलरी में सेटल हो गए तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर ब्रेन में सेटल हो गए तो जो मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन इस तरह से बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, इससे बचना चाहिए। तो हाइजीन ही केवल इसका प्रिवेंटिव मेजर है। जब भी हरी सब्जियां खाएं तो बहुत अच्छी तरह से धो के खाएं और स्ट्रीट फूड जहां तक हो सके वो अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड ना खाएं और सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से धो के कंज्यूम करें। पालक, धनिया, बंद गोभी, ये सब बहुत ही हेल्दी फूड है लेकिन इनको बहुत प्रिकॉशन के साथ कंज्यूम करना चाहिए। लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कैटल या शीप इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं और स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ये ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरी होस्ट में होगा और ये प्राइमरी होस्ट के लिवर या बाइल डक्ट में रहता है। तो इन ऑर्गन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फर्टिलाइज्ड एग्स प्राइमरी होस्ट के फीसेस के साथ बॉडी से बाहर आ जाएंगे और अगर ये फीसेस किसी वाटर बॉडी के आसपास शेड हुआ है तो ये एग्स वाटर में हैच होंगे और एज अ रिजल्ट ये फ्री स्विमिंग मेरासीडियम लार्वे बाहर आएंगे इन एग्स से। और ये मेरासीडियम स्नेल की बॉडी में एंटर करेंगे जहाँ पर कुछ लार्वल स्टेजेस एग्जिस्ट करेंगी स्नेल की बॉडी में और ये फाइनली सर्केरिया लार्वा की फॉर्म में इस स्नेल की बॉडी से बाहर आएंगे। सर्केरिया भी फ्री स्विमिंग फॉर्म है और ये फिर फाइनली इन ग्रास ब्लेड पर सेटल हो जाएंगे सर्केरिया लार्वा और एंसिस्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एंसिस्टेड लार्वल फॉर्म्स को हम मेटा सर्केरिया कहते हैं और ऐसी ग्रास पे अगर अब कैटल या शीप फीड करेगी तो ये मेटा सर्केरिया अब प्राइमरी होस्ट की बॉडी में आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हैचिंग होगी और ये जो लार्वे हैं अब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फाइनली लिवर या बाइल डक्ट तक पहुँच के वहाँ सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है।
अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। यहाँ हमने लार्वल स्टेजेस की सीक्वेंस दिखाई हुई है। यहाँ स्पोरोसिस्ट और रेडिया, ये दोनों लार्वल फॉर्म्स हमें स्नेल की बॉडी में देखने को मिलती हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम में मिसिंग है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि एक लार्वल स्टेज जब दूसरी लार्वल स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तो हर स्टेज पर यह लार्वा मल्टीप्लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एग से एक मेटासर्केरिया नहीं मिलेगा, एक एग से हमें न्यूमरस मेटासर्केरिया मिलेंगे, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल का जो रेट है, चांस है, वो बढ़ जाएगा। तो ये अडाप्टेशन है एक तरह का जो हमें लिवर फ्लूक में देखने को मिलता है, ताकि ये अपने जो स्पीशीज़ है अपनी स्पीशीज़ के परपिचुएशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो ये एक तरह का अडाप्टेशन हमें लिवर फ्लूक में देखने को मिलता है।